हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट अर्षिता शर्मा और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। तो गाइस, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि अब हम क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं, क्योंकि हम बताएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल सीरीज के बारे में, T20 सीरीज के बारे में और वुमेन सीरीज के बारे में। जितने भी मैचेस होने वाले हैं उन सब की हम आपको डेट्स बताएंगे, मैच वेन्यू बताएंगे और टाइमिंग्स भी बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं पिच रिपोर्ट की भी, जो कि आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि वो पिच बैटिंग है या बॉलिंग, या फिर बैटर्स का ज़्यादा फायदा के लिए होती है वो पिच, या फिर बॉलर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है वो पिच। तो ये सब आपको पिच रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले हमने जून का जो फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज थी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो जो सीरीज थी वो जून की फर्स्ट सीरीज थी। और अब हम आ गए हैं जून की सेकेंड इंटरनेशनल सीरीज पर, जो कि होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि होगी 7 जून से 12 जुलाई तक। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे इनके सभी मैचेस की डेट, वेन्यू और टाइमिंग्स, और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो ये होने वाली है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ श्रीलंका की सीरीज 2022 की, जो कि होगी 7 जून से लेकर 12 जुलाई तक। और इसमें होने वाले हैं 2 टेस्ट मैचेस, 5 ODIs और 3 T20s। तो इन सब के बारे में हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इसकी डेट कब है, इसका वेन्यू क्या है और इसकी टाइमिंग्स क्या है। तो शुरू करते हैं गाइस। तो जो इसका फर्स्ट मैच है इस सीरीज का, वो होने वाला है 7 जून मंगलवार को, जो कि होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट T20 मैच। और ये होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और ये मैच का टाइमिंग जो है वो है शाम को 7 बजे। तो नेक्स्ट मैच में चलते हैं। नेक्स्ट मैच होगा इसका 8 जून वेडनेसडे को, जो कि होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20, और ये भी होगा सेम स्टेडियम में, आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और इसकी जो टाइमिंग है वो भी है शाम को 7 बजे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा मैच जो होगा वो होगा 11 जून को, सैटरडे को, और वो होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड T20 मैच, और ये होगा एक अलग स्टेडियम में, जो कि है पालकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और ये भी होगा शाम को 7 बजे। तो गैज, ये जो हमने आपको टाइमिंग बताई है ये इंडियन टाइमिंग ही है, और ये किसी और कंट्री के हिसाब से टाइम नहीं है। आप इंडिया में रहते हो तो ये इंडिया में आप ये मैचेस 7 बजे ही देख सकते हो। तो ये सभी टाइमिंग्स जो है इंडिया के हिसाब से ही है। तो गैज, ये थे हमारे 3 T20 मैचेस इस सीरीज के। जैसा कि आपको बताया कि 3 ही T20 मैचेस होने वाले हैं इस सीरीज में, तो ये थी उन 3 T20 मैचेस की डिटेल्स। तो गाइज, आपको बता दें कि इसमें हम आपको आर प्रेमदासा स्टेडियम की भी पिच रिपोर्ट देने वाले हैं, और साथ ही साथ पालकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी हम पिच रिपोर्ट आपको देने वाले हैं। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। जो इन T20s के बाद मैचेस होने वाले हैं वो शुरू होंगे 14 जून मंगलवार से, और होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ODI। तो गाइज, 14 जून को फर्स्ट ODI होने वाला है इस सीरीज का, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ये होने वाला है पालकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में, और ये होगा दोपहर को 2 बजे। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो मैच है वो होने वाला है 16 जून थर्सडे को, जो कि है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड ODI। तो सेकेंड ODI होने वाला है 16 जून को, होगा ये सेम पालकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में, और होने वाला है टाइम इसका 2 बजे को। तो 2 बजे आप ये मैच देख सकते हो आराम से। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मैच, वो होगा 19 जून को, संडे को। तो संडे अपना बुक कर सकते हो, क्योंकि संडे को हमको थर्ड ODI देखना है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ये होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और इसकी भी टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मैच होगा 21 जून को, मंगलवार को, जो कि होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ ODI। तो ये इस सीरीज का फोर्थ ODI है, ये खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और इसकी जो टाइमिंग है वो है दोपहर को 2 बजे। तो गाइज, नेक्स्ट जो है इसका फिफ्थ ODI है, वो होगा 24 जून को, फ्राइडे को, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फिफ्थ ODI। फिफ्थ और लास्ट बोल सकते हो ODI, क्योंकि इसमें 5 ही ODI मैचेस होने वाले हैं, और ये भी खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और टाइमिंग है इसकी दोपहर को 2 बजे।
तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि ये 5 ODI भी खेले जा रहे हैं इस सीरीज में, और 3 T20s की बात हमने पहले ही कर ली है कि 3 T20 मैचेस जो खेले जा रहे हैं इस सीरीज में, और अब हमने कर ली है 5 ODIs की बात कि कहाँ कहाँ खेले जा रहे हैं और किस टाइम पे और किस डेट पे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट टेस्ट मैच है वो शुरू होगा 29 जून वेडनेसडे से 3 जुलाई तक, वो चलेगा संडे तक, और ये होगा श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट मैच, और ये खेला जाएगा एक अलग स्टेडियम में जो है गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, और इसकी टाइमिंग भी अलग है। टाइमिंग है इसकी सुबह 10 बजे, तो ये मैच सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा गाइस, और इसकी डेट 29 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला है, और ये है इसका फर्स्ट टेस्ट इस सीरीज का, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं, 8 जुलाई फ्राइडे से 12 जुलाई ट्यूसडे तक होने वाला है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच, जो कि होगा गैले इंटरनेशनल स्टेडियम में, और इसकी जो टाइमिंग है वो भी है सुबह 10 बजे। तो गाइज अब हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है T20s की, ODIs की, और साथ ही साथ टेस्ट की भी। तो ये हो गए इस सीरीज के सारे मैचेस, 3 T20s, 5 ODIs और 2 टेस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ये सभी मैचेस 3 स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं, एक आर प्रेमदासा में और एक पैलकेले इंटरनेशनल में और एक गैले इंटरनेशनल में। इन तीनों ही स्टेडियम्स की आपको पिच रिपोर्ट भी मिलने वाली है, और उस पिच रिपोर्ट में आपको बताएगा जाएगा कि इसका टॉस प्रिडिक्शन क्या है, इसकी पिच बैटिंग है या बॉलिंग, बैटर्स यहाँ पे कितना हाई स्कोर बनाते हैं, कौन से बॉलर्स फायदेमंद रहते हैं इस पिच पर, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी ड्रीम 11 टीम में आपको अर्न करने में, आपको विन करने में बहुत हेल्प करने वाली है ये पिच रिपोर्ट, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपकी काम आने वाली है। तो गाइज उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको इन तीनों पिचेस की पिच रिपोर्ट मिलने वाली है, और हर पिच रिपोर्ट की एक अलग वीडियो है ताकि उस पिच की सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें और आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी पिच रिपोर्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। इसलिए तीनों ही पिचेस की आपको एक एक वीडियो मिलने वाली है पिच रिपोर्ट की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।